स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश समेत किन किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पश्चिमी विक्षोभ का असर, दो दर्जन जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी तेज हवा, इन जिलों में ओलावृष्टि के आसार, जानिए IMD का पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले दो दिनों तक प्रदेश में तेज हवाएं, आंधी चल सकती है। प्रदेश में पूर्वी हिस्से में 40 से 50 तो पश्चिमी में इसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। यूपी मौसम विभाग ने आज 27 जिलों में बारिश, आंधी और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 28 मई तक 62 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूपी में मौसम विभाग के मुताबिक आज से नौतपा शुरू हो गया है। इसी बीच विभाग ने 20 शहरों में येलो अलर्ट और 17 शहरों में आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 30 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। अगले तीन दिन तक पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 30 मई तक यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं 30 मई तक वेस्ट यूपी में भी बारिश हो सकती है और ईस्ट यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हाथरस, एटा, मथुरा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, आगरा, गाजियाबाद, गोंडा, बलरामपुर, इन जिलों में येलो अलर्ट। बिजली के चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, इन जिलों में ओलावृष्टि। आगरा, अलीगढ़, औरैया, बिजनौर, एटा, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। जानिए जिलों के मौसम का हाल। कानपुर में आज शाम के समय तेज हवा के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। बरेली और आसपास के जिलों में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में 30 मई तक 62 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की उम्मीद है। तो वहीं मथुरा में बादल घिरने की आशंका बनी हुई है। दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां तापमान अधिकतम 34 डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। नोएडा के साथ ही NCR के इलाकों में मौसम ठंडा रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंचेगा। नोएडा में तापमान 33 और 24 डिग्री के बीच रहने के अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो दो दिनों के बीच विभिन्न राज्यों में जमकर बारिश होगी। इस दौरान ओले भी पड़ सकते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में तेज हवाएं, आंधी, तूफान, बिजली कड़कने की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में आने वाले 48 घंटों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में भारी बरसात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।